नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ ईवीएस का अगला पार्ट। और देखिए, यहाँ पर इस पर्यावरण अध्ययन सेक्शन के तहत मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमने 440 तक देख लिया था कि किस देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड को जो है कि झीलों का देश कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे 441 से। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं किस देश को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड लेवल पे है। किस देश को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड। किसे भाई? न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। ओके, नाउ किस देश में रोबोट का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? भाई देखिए, रोबोट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है जापान कंट्री में। ठीक है, नाउ अगला है, संसार का कौन सा देश बाघ को प्रकृति के विरुद्ध मानता है? तो देखिए भाई, यहाँ पर एक ऐसा भी देश है जो बाघ को प्रकृति के विरुद्ध मानता है, वो कंट्री है चीन। ठीक है, चीन जो है बाघ को प्रकृति के विरुद्ध मानता है ना। नाउ आगे, विश्व का सर्वाधिक तेल निर्यातक देश है? तो देखिए भाई, विश्व में सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करने वाला देश है सऊदी अरब। लुप्त पक्षी डोडो, ठीक है, तो ये डोडो जो है लुप्त पक्षी है, तो डोडो का संबंध किस देश से, या फिर कह लीजिए कि किस देश में पाया जाता था? तो मॉरिशस। ठीक है, कहाँ पे भाई? मॉरिशस में। डोडो का संबंध है मॉरिशस से। ओके, नौ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कहाँ भाई? केन्या में या फिर नैरोबी, ऑप्शन दो में से एक मिल सकता है। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पे भाई? पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मोरगेज स्विट्जरलैंड में। अगला है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, तो ये वॉशिंगटन डीसी अर्थात यूएसए में स्थित है। विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से किस स्थान को मृत्यु की घाटी कहा जाता है? तो वन सेकेंड देखते हैं भाई, विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से किस स्थान को मृत्यु की घाटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा टोवा ब्राजील को। किसको भाई? क्यूबा टोवा ब्राजील को कहा जाता है मृत्यु की घाटी। किसकी दृष्टि से? पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, आपको पता होगा कि क्यूबा को, ठीक है, हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, नोट में नोटेबल पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली, तो देखिए आपने डेथ वैली का मतलब ही होता है मृत्यु की घाटी, ये भी आप समझ लीजिए भाई, मृत्यु की घाटी यहाँ भी है, ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है कि कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पर्यावरण की दृष्टि से मृत्यु की घाटी कहाँ है? क्यूबा में है, टोवा ब्राजील में है। और ज़्यादातर तो फिलहाल ये पूछा गया है कि डेथ वैली या मृत्यु की घाटी कहाँ है, तो भाई कैलिफोर्निया में। किस लिए जानी जाती है? तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। आपको बता दें, ये ऐसी घाटी है कि यहाँ पर, मतलब पहले क्या होता था भाई, इसको पार करके जाना पड़ता था, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती थी कि आदमी बस इसको पार करने में वहीं पर मतलब कहानी ख़त्म हो जाती थी, तो इसके लिए ये जो है कि फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आयोग कहाँ है? भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। विश्व में प्रथम स्मोग दुर्घटना कहाँ हुई थी? भाई ठीक है, तो गैस वाली दुर्घटना, स्मोग की दुर्घटना सबसे पहले हुई थी लॉस एंजल्स अमेरिका में हुई थी। और भारत की बात करें तो भारत में तो सबसे चर्चित और बहुत बार पूछा गया, ठीक है, गैस दुर्घटना आप लोग जानते होंगे, भोपाल गैस त्रासदी। भाई किस गैस का रिसाव? आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव। ठीक है, तो ये तो बहुत चर्चित है और बहुत बार पूछा गया है।
किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो भाई बैकाल झील रूस को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है और ये विश्व की सबसे पुरानी झील है और सबसे गहरी झील भी है। एड्रियाटिक सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? भाई तो ये कहा जाता है वेनिस को, और वेनिस कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगला है किसको प्रातःकालीन शांत स्थल यानी लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, कॉम मतलब होता है शांत, है ना, कहा जाता है? तो ये कोरिया को, ठीक, क्या कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भाई देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो पूरे विश्व की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा भंडार यूरेनियम के है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, कंगारू के लिए जाना जाता है, कंगारुओं का देश भी इसे कहते हैं ना। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजातीय वर्ग के हैं? तो भाई मंगोलायड, ठीक है, मंगोलायड प्रजाति से रिलेटेड हैं उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। और आप जानते होंगे एक मंगोलिया नाम का बीमारी भी होता है, उसमें क्या होता है, इंसान का माथा चौड़ा हो जाता है, गुणसूत्र 46 के बजाय क्या हो जाते हैं भाई, 47 हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार का मतलब उनका माइंड कम वर्क करता है ना। अगला है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए अगर हम बात करें पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वास का विनाश, ठीक है, सबसे मेन कारण है भाई। जो प्रकृति का मतलब है जो नेचुरल हैं, वन हैं, इन सबको अगर नाश करेंगे प्राकृतिक वास को तो जैव विविधता कम होगी। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में की गई थी। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र संस्थान कहाँ है? तो भाई ये स्थित है कोयम्बटूर में। और आपको बता दें सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चित रहे हैं, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ है भाई, कोयम्बटूर में है। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व योजना कब प्रारंभ की गई थी भारत में? तो ये की गई थी 1 सितंबर 1986 को, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र का कानून, क्या कह रहा है, समुद्र का कानून कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1982 में। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1971 में, और किसके द्वारा भाई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। फंडामेंटल इन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं इपी ओडम, किसके, फंडामेंटल इन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध पुस्तक आवर एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब हमारा पर्यावरण, है ना, प्रसिद्ध पुस्तक आवर एनवायरमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाइक फुट हैली, कौन है भाई, लाइक फुट हैली हैं, ठीक है। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से जुड़ा है? तो देखिए भाई आप जानते होंगे कि जो नृत्य होते हैं इनसे रिलेटेड पूछा जाता है प्रश्न, है ना, तो कुचिपुड़ी पूछा जा रहा है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है, कैसे याद करना है, ठीक है। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, क्या भाई, कच्ची पूड़ी याद रहेगा ना, कच्ची पूड़ी तो आप बोलेंगे नहीं, जब कभी देखते होंगे जल्दी जल्दी निकाला जाता है तो क्या हो जाता है, पूड़ियाँ कच्ची निकलती हैं, है ना, कच्ची पूड़ी। अब भाई कच्ची पूड़ी देखिए आपको टाइम लग रहा है लेकिन आप ये पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। कच्ची पूड़ी कौन खाए भाई, अगर आंध्र प्रदेश यानी अंधा, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है बेचारा, बूढ़ा है, मान लीजिए उसके आँखों की रोशनी चली गई है, है ना, दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या करोगे, उसको चाहे जो दे दो सब खा जाएगा, तो क्या है, उसको आप कच्ची पूड़ी दे रहे हैं, वो खा रहा है, ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये बस मेरे बताने का मकसद है आपको याद हो जाए, ठीक है। अगला है चरकुला नृत्य संबंधित है कहाँ से भाई, ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश, तो ये देखिए चरकुला नृत्य आपको सीधा उत्तर प्रदेश ऑप्शन मिल सकता है या फिर ब्रजभूमि, ठीक है, चरकुला। आगे महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है भाई, जय संगीता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो भाई आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की बात की जाए तो रायबरेली में, ठीक है, ये बन गई है ना रेल कोच फैक्ट्री। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है, तो भाई यहाँ पे देखिए ये मुझे लिखना था
कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम, ठीक है, किसके मामले में, अफीम के मामले में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो आपको बता दें बाराबंकी अफीम के मामले में उत्तर प्रदेश में टॉप पोजीशन पे, और यहाँ पे देखिए नोट में मैंने दिया है कि बाराबंकी के अलावा गाजीपुर में भी अफीम की खेती होती है। तो आपको दो चीज़ें मिल गई भाई, बाराबंकी और गाजीपुर। अब नोट में देखिए और अगला पॉइंट, गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर ऐसे क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर में है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने का आपका कुछ लगता नहीं है, हाँ बदले में हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है कि ठीक है आपको वीडियो पसंद आ रही है, हम और मेहनत करें, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।